अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं इस्तिगफार के ऊपर आपसे चंद गुज़ारिशात करूंगा, उसके फ़ज़ाइल बयान करेंगे हम, और साथ में आपसे एक वाक़या शेयर करना है जो कि इंशाल्लाह आपको उससे काफ़ी इंस्पायरेशन मिलेगी इस्तिगफार के हवाले से। देखिए, अल्लाह ताला इंसान का खालिक और मालिक है और अल्लाह की ज़ात इस बात के लायक है कि बंदा हर वक्त सजदे की हालत में रहे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। लेकिन चूंकि इंसान के अंदर गलती और भूल चूक मौजूद है, तो इसलिए इंसान गलतियां करता है, बार बार गलतियां करता है। तो इस पर वो जब अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करता है तो अल्लाह ऐसी रहीम और करीम ज़ात है कि वो ना सिर्फ उसको माफ़ कर देते हैं बल्कि उसके साथ साथ उसको बहुत सारे इनामात और नवाजशात से नवाजते हैं। उनमें से चंद एक मैं आपसे आपके सामने रखूँगा वो नवाजशात, वो फ़ज़ाइल, और फिर हम मैं आपके सामने एक वाक़या रखूँगा। उसमें पहला जो है, सबसे पहला पहली फजीलत जो है, जो अल्लाह ताला बंदे पे अपनी मेहरबानी, अपनी अनायत, अपनी नवाजिश करते हैं, वो है कि बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। दूसरी है कि जन्नत में उसका दाखला की इजाज़त अता फरमा देते हैं। तीसरा कि रहमतों वाली बारिश फरमाते हैं। चौथा है कि माल और दौलत में बरकत अल्लाह ताला नसीब फरमा देते हैं। अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करें तो अपनी अजाफे के साथ साथ उसमें बरकत जरूर मांगा करें। नंबर पांच, नरीना औलाद से अल्लाह ताला नवाजते हैं। नंबर छह, जिस्मानी कुव्वत हासिल होती है। नंबर सात, हर गम से अल्लाह ताला उसको निजात अता फरमाते हैं। नंबर नौ, हर मुश्किल हर परेशानी से अल्लाह ताला उसका छुटकारा उसको दिला देते हैं। दसवां है कि उस वो जो दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल फरमा देते हैं, यानी कि वो एक तरह का मुस्तजाब दावात बन जाता है। और ग्यारहवां ये है कि बस्ती वालों को रिस्क अता किया जाता है। ये चंद फ़ज़ाइल थे जो कि इस्तिगफार के हवाले से मैंने आपके सामने रखे। अब जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि आपके सामने एक वाक़या रखूँगा। देखिए, हमारी फ़िक़ह के चार इमाम हैं, उनमें से एक इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, तो उनके हवाले से मैं आपसे वो वाक़या शेयर करता हूँ कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बगदाद के रहने वाले थे। एक दफ़ा, हालांकि वक्त के इमाम थे, एक दफ़ा कहीं बगदाद के नज़दीक किसी गांव में, किसी देहात में गए तो वहाँ पर वो शाम में लेट हो गए। तो उन्होंने बेहतर समझा के बजाय कि मैं वापस अपने मदरसे या अपने जगह पर जाऊँ, अपने इलाके में, मैं यहीं पर ही किसी मस्जिद में क़याम कर लेता हूँ। तो हजरत जो थे वो उस मस्जिद में दाखिल हो गए। ईशा की नमाज वगैरह के बाद फारग हुए तो बाकी साथी तो चले गए, तो वो बैठे रहे। अब वहाँ पर जो उस मस्जिद का मुजावर था, जो उसकी देखभाल करने वाला था मस्जिद की, उसने समझा कि ये बाबा जी जो हैं ये शायद कोई चोर है जो कि सब नमाजियों के जाने का इंतजार कर रहे हैं और नमाज मस्जिद से कोई चीज़ ना हो ले जाए। उन्होंने उस हजरत का हाथ पकड़ा और घसीट करना, उसने पहले उनको कहा कि आप चले जाओ, उन्होंने कहा जी मैंने यहीं रहना है। उन्होंने नहीं माने तो वो घसीट कर उनको अपना मस्जिद के दरवाजे तक लिए, और फिर जब वो फिर भी वो बाजना अपना बंदे को फिर भी जब वो उसकी ख़त्म ना हुई, गुस्सा उसका ख़त्म ना हुआ, तो उन्होंने हजरत को खींच करना बाहर मस्जिद के बाहर बांध बिठा के तो ताला लगा के चले गए। अब सर्दियों की रात थी, हजरत वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ से ना एक हलवाई गुजर रहा था, तो वो हलवाई ने जब हजरत को देखा कि एक बुजुर्ग आदमी है और प्यारों में गार यहाँ बैठा है, तो उसने उस उन पर तरस खाकर उनको अपने साथ घर ले गया, इमाम बिन हम्बल को। तो वहाँ पर जब अपने घर ले गया तो बड़े इकराम के साथ बड़ी खिदमत की और उनको बड़ा एक अच्छा बिस्तरा दिया, फिर नमाज के लिए वजू करने का पूरा गर्म पानी करके दिया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। तो साथ में वो सारी रात जो था ना अपना हलवाई का जो मामला थे वो अपने मनाता रहा था कि सुबह अपने दुकान के ऊपर लेके जाएगा, तो वो साथ साथ इस्तगफार पढ़ता रहा। अच्छा, हजरत बड़े गौर से उसको सुनते रहे। वो जितनी देर हजरत के साथ रहा है
उस अस्तफार की जो कसरत थी वो करता रहा, अस्तफरुल्ला अस्तफरुल्ला। तो हजरत ने उससे पूछा कि इस अस्तफार की तुम्हें कोई कोई अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें कोई अनायात भी हुई है? तो उसने कहा कि अल्लाह ने मेरा इतना मेरे में इतना करम किया है, इतना करम किया है कि मैंने अपने रब से जो मांगा है अल्लाह ने मुझे अता कर दिया है। तो हजरत ने कहा कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? तो वो कहता हाँ मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा वो कौन सी है? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर बगदाद के एक इमाम है, इमाम अहमद बिन हम्बल, जो कि इस वक्त इमाम है वो, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे उससे मिलवा दें और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो रही। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लग पड़े। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस अस्तगफार पढ़ने की बदौलत अल्लाह ने मुझे घसीट कर तुम्हारे पास लेके आए हैं, ये अस्तगफार की अहमियत है। हालांकि हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का रब्बे कायनात की नज़र में बहुत आला ऊंचा मकाम था, लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो ये थी कि अस्तगफार की कितनी अहमियत है कि अल्लाह को बंदे का तौबा करना, उस पर अस्तगफार करना कितना पसंद है। ये अपना वाकया था, मैं क्या आपसे गुजारिश करूं। और अस्तगफार के जो फजाइल मैंने बयान किए हैं, ये आपसे गुजारिश है कि इस अस्तगफार को अपनी ज़िंदगी का अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी अल्लाह ताला कभी पेश माफ़ फरमाए कि जो अस्तगफार की कसरत करता है, कसरत से अस्तगफार करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।